आप एक खूबसूरत लड़की के क्या बनना चाहोगे, दोस्त, प्रेमी या जीवन साथी? ज्यादातर लोगों का भी यही मानना है, पर एक शख्स ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो एक खूबसूरत लड़की के पिता बने। इसके पीछे वजह भी बहुत दिलचस्प है। वो है एक ट्रक, पुराना, युद्ध से लौटता, धुआं फेंकता और शोर मचाता वो ट्रक। नमस्कार, मैं रुचि पांडे, एक कहानी किताब से के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नोबेल पुरस्कार विजेता मोयान के लघु उपन्यास हम तुम और वो ट्रक की कहानी आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किताब हम तुम और वो ट्रक मोयान के अंग्रेजी में अनुवादित नोबेल चेंज से हिंदी में रूपांतरित की गई है। इसका हिंदी अनुवाद किया गया है JNU विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर रह चुके पुष्पेश पंत द्वारा। आपको बता दें कि इस किताब के लेखक मोयान एक चीनी विवादित लेखक हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के प्रशंसक और गुणगान करने वाले लेखक हैं, और यही कारण है जो सरकार मोयान की समर्थक है। चीन में माना जाता है कि मोयान ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हो, पर आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। उनसे पहले गो चिनजियान को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, पर पुरस्कार से पहले ही उन्हें फ्रांस की नागरिकता मिल गई थी। खैर, ये तो अलग बात है। ये कहानी कथावाचक की यादों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपना अनुभव अपनी यादों को बता रही है। कहानी की बात करें तो ये कहानी स्कूल के दिनों से ही शुरू होती है, और चीन के पारंपरिक समाज, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर विरोधों को इशारों इशारों में ये खोजता चला जाता है कि किस तरह पार्टी के जुड़ाव वहाँ की व्यवस्था में किसी को बेहतर स्थिति में ला सकता है, तो किसी को शिक्षा के बेहतर मौके दे सकता है, किसी को लालन पालन के बेहतर मौके दे सकता है। जो परिवार पार्टी की सदस्यता वाले नहीं हैं, उनके लिए वहाँ की व्यवस्था उतनी उदार नहीं है। हम तुम और वो ट्रक पढ़ते हुए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जोड़ तोड़, जुगाड़, सोर्स सिफारिश चीन के समाज में भी गहरे पकड़ बनाई हुई है। इस मामले में वह हमारे देश से अलग नहीं लगता। उपन्यास में एक यादगार चरित्र है जीवू का, जो बचपन में कथावाचक से 10 युआन लेकर बेहतर भविष्य की तलाश में निकल गया था। उसका चरित्र यह बताता है कि चीन में अपनी बुद्धि चलाकी से व्यवस्था को अपना बनाया जा सकता है। लेखक की बचपन की सहपाठिन लू वेनिली है, जिसे अंत में लेखक की मुलाकात तब होती है जब वो लेखक के रूप में सफलता के शीर्ष पर होता है। ये पूरी कहानी लू वेनिली की यादों में लिखी हुई लगती है, जो उसके साथ लेखक की मुलाकात के साथ खत्म होती है, जिसमें किसी तरह की भावुकता नहीं है। ये उपन्यास छोटा जरूर है, मगर इसकी व्यंग्यात्मक भाषा में वहाँ की सामाजिक राजनीतिक संदर्भ इस तरह से कूट कूट कर भरे गए हैं कि इसका पाठ उतना सरल नहीं रह जाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये उपन्यास अनुवाद का भी एक मानक उदाहरण है। चीन के समाज की एक बंद रहने वाली खिड़की खोलने वाला ये उपन्यास है। इस पुस्तक समीक्षा में इतना ही, लेकिन अन्य साहित्यिक जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एक कहानी किताब से। धन्यवाद।